सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप और मैं हम सभी जानते हैं कि हमारे जिंदगी में स्मार्टफोन कितने मायने रखता है। यानी जो फोन हम सिर्फ फोन कॉल्स और मैसेजेस करने के लिए यूज करते थे, वो हमारी जिंदगी का बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। और ऐसे में अगर आपको किसी ने कहा कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है पर फिर भी मैं बैंकिंग फैसिलिटीज, डिजिटल पेमेंट जैसी फैसिलिटी एंजॉय कर सकता हूं, तो आपको क्या सच लगेगा? क्या कोई विदाउट स्मार्टफोन, विदाउट इंटरनेट डिजिटल पेमेंट या फिर डिजिटल बैंकिंग कर सकता है? तो आज इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आज आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वप्निल, आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एक स्मार्टफोन के जरिए और इंटरनेट के जरिए हम बिल्कुल आसानी से एक डिजिटल पेमेंट या फिर डिजिटल बैंकिंग के फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। मगर ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक बेसिक डिजिटल DSM हैंडसेट की मदद से हम मोबाइल बैंकिंग या फिर डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम है NUUP यानी नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए आप सिर्फ *99# दबाकर फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ तक कि वैल्यू एडेड सर्विसेज को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस सर्विस को यूटिलाइज करने के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होने की जरूरत नहीं है, आप एक बेसिक GSM हैंडसेट के जरिए इस फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन यही है कि आप जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना बिल्कुल भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो सर्विस है वो 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप भारत भर में कहीं पे भी रह रहे हो, आप कौन से भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, फिर भी आप ये फैसिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। जिसको आप भारत भर में कौन से भी ब्रांच में आपका अकाउंट हो तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ विदाउट इंटरनेट और विदाउट रोमिंग चार्जेस कहीं पे भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को एंजॉय करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर जो है वो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा, रजिस्टर करना होगा। और जैसे ही आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से अगर रजिस्टर होता है, आपको सिर्फ अपने मोबाइल से डायल करना है *99#। उसके बाद आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक विंडो ओपन होगा जहां पे आपको अपने बैंक का IFS कोड या फिर बैंक का शॉर्ट नेम एंटर करना है। तो दोस्तों, ये 11 डिजिट IFS कोड आपको आपके पासबुक के ऊपर, चेकबुक के ऊपर या फिर आप अपने बैंक के वेबसाइट पे जाकर भी पा सकते हैं। और अगर आप अपने बैंक का शॉर्ट नेम जानना चाहते हैं तो NPCI के वेबसाइट के ऊपर या फिर आप IMPS के सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर सर्च करके अपने बैंक का शॉर्ट नेम जो है वो जान सकते हैं। उसके बाद आपको नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल और वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर मैं नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो आप *99# दबाकर अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट के मिनी स्टेटमेंट डिमांड कर सकते हैं, यहां तक कि मोबाइल बैंकिंग के लिए लगने वाला MPIN या फिर OTP जैसे चीजों को क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसे चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मोबाइल बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए लगने वाला आपके अकाउंट का MMID नंबर भी आप इस सर्विस से जान सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर मिलती है। इसी के साथ इंस्टेंट मनी ट्रांसफर जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज को आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फंड ट्रांसफर के लिए आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है आप फंड ट्रांसफर करने के लिए IFS कोड या फिर अकाउंट नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिस बेनिफिशियरी को आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उस व्यक्ति का आपको IFS कोड और अकाउंट नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद अमाउंट और रिमार्क एंटर करना होगा, और साथ ही साथ MPIN एंटर करके आप इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं तो आपको और एक बेनिफिशियरी को एक SMS मिल जाएगा जिसमें आपको आपके ट्रांजैक्शन के डिटेल मिल जाएंगे और आपका ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है MMID और मोबाइल नंबर का, यानी आप जिस बेनिफिशियरी को पेमेंट करना चाहते हैं या फिर फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बेनिफिशियरी का MMID और मोबाइल नंबर आपके पास हो तो आप इंस्टेंटली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है आधार नंबर, यानी किसी का आधार नंबर आपके पास हो और उस व्यक्ति को पेमेंट करना है तो सिंपली आपको सिर्फ आधार नंबर उसका एंटर करना होगा आपके मोबाइल के ऊपर। यानी जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर रहे हो या फिर फंड ट्रांसफर कर रहे हो उस व्यक्ति का आधार नंबर जिस बैंक अकाउंट से लिंक है उस बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो दोस्तों, और एक एडिशनल बेनिफिट मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, यानी *99*99# अगर आपने डायल किया है तो आप अपने आधार नंबर और बैंक अकाउंट का स्टेटस जान सकते हैं, यानी आपका बैंक अकाउंट जो है वो अपने आधार नंबर से लिंक है या नहीं, ये भी आप घर बैठे इस सर्विस से जान सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि आप अपने बैंक का USSD स्पेसिफिक नंबर NPCI के वेबसाइट से जानकर डायरेक्टली अपने बैंक के फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो आपको यकीन हो गया होगा कि एक स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि एक बेसिक मोबाइल भी डिजिटल बैंकिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि NPCI ने एक ब्यूटीफुल सर्विस हमें प्रोवाइड की है
जिसे हम अगर इस्तेमाल करें तो एक विदाउट इंटरनेट, विदाउट रोमिंग चार्जेस, विदाउट स्मार्टफोन हम बिल्कुल बैंकिंग फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सर्विस एंजॉय करने के लिए बस हमें अपना मोबाइल नंबर जो अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है और फंड ट्रांसफर के लिए जो डिटेल जरूरी है वो अपने पास रखने हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि भारत के हर एक आम आदमी इस चैनल को अगर इस्तेमाल करे तो हमारा भारत देश जो है वो जल्द से जल्द डिजिटल इंडिया जरूर कहलाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।